दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। खबर में देखिए, बिहार में 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति, पटना में पतंगों की होगी कलाबाजी। जी हां देखिए, इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी को मनाएगा। इस बार सूर्य 14 जनवरी की रात 2:53 में बजेर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, इससे पुण्य काल अगले दिन 15 जनवरी को होगा। वहीं देखिए, मकर संक्रांति पर शहर में पतंगबाजी की भी परंपरा रही है। चतुर्भुज स्थान चौक के समीप की दुकानों में मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व पूर्वियां छात्रों से लेकर वो तक की भीड़ लगी रहती है। पतंग के साथ माजा धागा और लटाई की बिक्री खूब होती है। खुले मैदान और छत पर लोग पतंगबाजी कर त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। बड़ी खबर में देखिए, राष्ट्रपति और पीएम खाएंगे बिहारी कतरनी चूड़ा। कभी मगध सम्राट खाते थे कतरनी चावल, रामायण में भी इसकी चर्चा। जी हां देखिए, मकर संक्रांति पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में तैयार कतरनी चूड़ा खाएंगे। चूड़ा भागलपुर से भेजी जा रही है। भागलपुर जिला प्रशासन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 200 विशिष्ट लोगों के लिए 3 क्विंटल कतरनी चूड़ा भेजने की तैयारी कर ली है। विक्रमशिला एक्सप्रेस से कतरनी चूड़ा की खेप लेकर भागलपुर आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह सहित अन्य कर्मी दिल्ली जाएंगे। खास यह कि जैविक विधि से उपजा कतरनी धान का चूड़ा बनवाया जा रहा है। भागलपुर की मंडी से कतरनी चूड़ा और चावल दिल्ली, बनारस, पटना, लखनऊ सहित दक्षिण भारत के कई शहरों में भी जाता है। अंग क्षेत्र की कतरनी की खुशबू की चर्चा रामायण, बौद्ध ग्रंथ और इतिहास की किताबों में भी है। इतिहासकारों की माने तो कतरनी चावल मगध सम्राट की थाली में भी परोसा जाता था। कोरोना की तरह होगा बच्चों का वैक्सीनेशन, कोविन की तरह यू विन पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, घर बैठे मिल जाएगा टीकाकरण का सर्टिफिकेट। जी हां देखिए, बच्चों का टीकाकरण भी अब कोरोना की तरह नए प्लेटफॉर्म पर होगा। कोविन की तरह यू विन पोर्टल पर पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वैक्सीनेशन किया जाएगा। भारत सरकार कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए तैयार किए गए कोविन पोर्टल की तर्ज पर यू विन पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। वहीं देखिए, ट्रायल के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश के 65 जिलों में बहुत जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें बिहार के 2 जिले पटना और सुपौल को शामिल किया गया है। नए प्लेटफॉर्म पर टीकाकरण से इम्यूनाइजेशन का पूरा डाटा ऑनलाइन हो जाएगा। इसके साथ ही आम लोगों को घर बैठे सेशन साइट से लेकर प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी मिल जाएगी। देश के 65 पायलट जिलों के लिए भारत सरकार 13 जनवरी 2023 को यू विन प्लेटफॉर्म के पायलट का सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। खबर में देखिए, बिहार में तेज गाड़ी चलाने वालों पर ऑनलाइन लगेगा जुर्माना। 5 सबसे खतरनाक एनएच पर लगाए जाएंगे ऑटोमेटिक कैमरे। जी हां देखिए, बिहार के सबसे खतरनाक 5 एनएच पर ऑनलाइन निगरानी के लिए ऑटोमेटिक कैमरा लगेगा, जो कि तेज रफ्तार की गाड़ी के नंबर प्लेट को कैच करेगी ताकि गाड़ी मालिक की पहचान तुरंत हो सके। एनएच पर लगने वाले कैमरों की दूरी एक दूसरे कैमरे से महज किलोमीटर से कम होगी, ताकि गाड़ी की रफ्तार जितनी भी हो कैमरे की नज़र से नहीं बच सके। परिवहन विभाग ने एनएच पर ऑनलाइन निगरानी का पूरा काम बेल्ट्रॉन के सहयोग से करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य के 5 अधिकारियों को बेंगलुरु के एनएच और दिल्ली के जमुना एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा था, ताकि इन राज्यों पर पता चले कि इन एनएच पर किस तरह से गाड़ियों का परिचालन होता है। वहीं देखिए, एनएच पर ओवर स्पीड और ओवरटेक करने वाली गाड़ियों पर ऑनलाइन जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना लगाने के बाद चालक को इसकी सूचना SMS से भेजी जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर परफॉर्म करेंगे बिहार के अमरेश राहुल। 2000 कलाकारों के बीच हुआ चयन, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने देंगे नृत्य प्रस्तुति। जी हां देखिए, दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में परफॉर्म करने के लिए बिहार से अमरेश कुमार और राहुल कुमार का चयन हुआ है। ये दोनों गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के समक्ष कर्तव्य पद पर अपने नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम और कर्तव्य पद पर सभी प्रतिभागियों के साथ उन्हें रिहर्सल कराया जा रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरेश और राहुल का चयन वंदे भारत नृत्य उत्सव से हुआ है, जिसमें पूरे भारत वर्ष से 2000 कलाकारों ने हिस्सा लिया था। इसमें से 500 कलाकारों का चयन किया गया है। इस प्रतियोगिता को 4 जोन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांटा गया था, जिसमें से अपने अपने जोन से चयनित बच्चों ने भाग लिया है। फाइनलिस्ट के रूप में चुने गए बच्चों को जाने माने कोरियोग्राफरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा ताकि वह गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तुति दे सके। परफॉर्मेंस के बाद उन्हें स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। खबर में देखिए, बिहार में खतरनाक लंपी वायरस की एंट्री, दो मवेशियों की मौत, 1258 पशु संक्रमित, टीकाकरण शुरू, बना कंट्रोल रूम, देश में अब तक 57,000 मवेशियों की मौत। जी हां, देखिए लंपी स्किन वायरस ने बिहार में दस्तक दे दी है। गाय और भैंस में काटने वाले मच्छर और टिक से फैलने वाले लंपी स्किन डिजीज से दो पशुओं की मौत भी हो चुकी है। पटना सहित 10 जिलों के कई सैकड़ों गाँव में 1258 पशुओं में इसकी बीमारी की पुष्टि हुई है। इस बीमारी से प्रभावित दुधारू पशुओं से इसके दूध में वायरस नहीं आता है, लेकिन दूध उत्पादन कम हो जाता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बीमारी का मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बुधवार को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव डॉक्टर A.N. श्रवण कुमार ने बताया कि इस बीमारी से बचाव के लिए 9 जनवरी से ही पशुओं का निःशुल्क टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, स्थिति नियंत्रण में है। वहीं आपको बता दें कि लंपी वायरस से देश में अब तक 57,000 मवेशियों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा करीब 37,000 मौतें राजस्थान में हुई है। यह बीमारी अब तक राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दिल्ली में फैल चुकी है। इसके लिए केंद्र सरकार पशुओं को गोट पॉक्स वैक्सीन लगवा रही है। देखिए, बिहार के 23 जिलों में 7 दिनों से कोल्ड डे, 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट, बांका सबसे ठंडा। जी हां, देखिए बिहार में लगातार 12 दिनों से ठंड का असर दिखाई दे रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सहित 23 जिलों में लगातार 7 दिनों से कोल्ड डे की स्थिति रही है। इसका प्रभाव 13 जनवरी तक रहेगा। 14 जनवरी से तापमान में वृद्धि होगी, लेकिन कोहरे के प्रभाव की वजह से विजिबिलिटी कम होगी। वहीं देखिए, मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। बुधवार को छपरा, फरबिसगंज, बांका, नवादा, किशनगंज में सीवियर कोल्ड डे रहा है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में लगातार उच्च दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इससे पूरे दिन कपकपी की स्थिति रही है। पूरा बिहार इस समय घने कोहरे की चपेट में है। वहीं देखिए, पूरे बिहार में बांका जिला सबसे ठंडा रहा है। यहां का तापमान 5.4 डिग्री दर्ज किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, दरभंगा में सीएम नीतीश की समाधान यात्रा, बिहार के दूसरे तारामंडल का किया शुभारंभ, कहा एम्स को कहीं और शिफ्ट करेंगे। या देखिए, दरभंगा पॉलिटेक्निक परिसर में राज्य के दूसरे तारामंडल का शुभारंभ सीएम नीतीश कुमार ने गुरुवार को किया। सीएम निर्धारित समय से करीब 1:20 लेट पहुंचे थे। शुभारंभ के बाद सीएम ने तारामंडल के अंदर और बाहर बारीकी से मुआयना किया और संबंधित अधिकारी से कई जानकारी ली। सीएम ने तारामंडल पर लिखे तारामंडल सब विज्ञान संग्रहालय को बदलकर तारामंडल सब ज्ञान विज्ञान केंद्र संग्रहालय करने का निर्देश दिया है। सीएम ने कहा कि वे ये सौगात दरभंगा वासियों को बहुत पहले देने का सोचे थे, जो सपना आज पूरा हो गया। या तारामंडल पटना से बड़ा है, बना है, कुछ और काम होना है जो जल्द पूरा हो जाएगा। साथ ही देखिये, सीएम ने एम्स को डीएमसीएच के अलावा कहीं और शिफ्ट करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने सोचा था कि डीएमसीएच को ही एम्स में अपग्रेड किया जाएगा। किसी का नाम लिए बिना इशारों में कहा कि केंद्र सरकार की जीत के कारण डीएमसीएच अपग्रेड नहीं किया गया, एम्स अलग बनाया जाएगा। हालांकि सीएम ने यह नहीं बताया कि एम्स कहां बनेगा। जब उनसे पूछा गया कि निर्माण कार्य रुका हुआ है तो कहां जल्द ही उनका जगह चिन्हित कर शुरू कर दिया जाएगा। घर में देखिए, बिहार के गांव अब होंगे रोशन, मार्च तक हर पंचायत के 4-4 वार्डों में लग जाएगी सोलर स्ट्रीट लाइट। यहाँ देखिए, बिहार के गांवों को रोशन करने के लिए पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम आरंभ हो गया है। मार्च 2023 तक पहले चरण में राज्य के हर ग्राम पंचायत के कम से कम 4-4 वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाएगी। वहीं इसके बाद अप्रैल से शेष वार्डो में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू किया जाएगा। सोलर स्ट्रीट लगाने के इस काम के लिए सरकार द्वारा 10 एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सोलर स्ट्रीट लगाने वाले एजेंसी को 5 साल तक इसका मेंटेनेंस भी करना है। इसे रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे राजधानी में बैठकर यह पता किया जा सकेगा कि कितने लाइट जली है या कितने नहीं जली है।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब नहीं होगी कोयले की कमी। राज्य के पहले मंदार पर्वत कोल ब्लॉक से खनन को मिली मंजूरी। जी हां, देखिए भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कोयला उत्खनन की मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ने इसका नामकरण भी कर दिया है। इस कोयला खदान का नाम मंदार पर्वत कोल ब्लॉक रखा गया है और इसे राजमहल कोल फील्ड भी शामिल किया गया है। साथ ही मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉरपोरेशन लिमिटेड को कोयला ई ऑक्शन करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। यह बिहार का पहला कोल ब्लॉक होगा। बड़ी खबर में देखिए, कार्तिक और सुधाकर के बाद अब चंद्रशेखर के बारे। रामचरित्र मानस पर बयान से विवादों में आए शिक्षा मंत्री के कुर्सी पर संकट। जी देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरित्र मानस पर दिए गए विवादित बयान से सियासी बवाल मच गया है। उनके बयान की बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में निंदा की जा रही है। ऐसे में उनकी कुर्सी पर संकट आ गया है। बीजेपी के साथ ही संत समाज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। चंद्रशेखर महागठबंधन सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री है। इससे पहले आरजेडी नेता कार्तिक कुमार और सुधाकर सिंह भी विवादों के चलते अपना पद गंवा चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बुधवार को नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को नफरत फैलाने और समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बताया है। इसके साथ ही बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। बिहार समेत देश भर के तमाम बीजेपी नेता उनसे माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। में देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र नियमित करने के लिए समिति का सुझाव। 15 दिन में लंबित परीक्षाओं को कराए शुरू। जी देखिए, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को अपने शैक्षणिक कैलेंडर का पालन कराना होगा। जिन विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं लंबित, वहां 15 दिन के अंदर परीक्षा शुरू करानी होगी। ऐसे ही कई राय बिहार के विश्वविद्यालय को सत्र को नियमित करने के लिए शिक्षा विभाग का सुझाव देने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में गुरुवार को सर्वसम्मति से सभी विशेषज्ञों ने रखी है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में हर घर नल जल का फरवरी से घर घर होगा सर्वे। छोटे घरों में नई योजना के तहत पहुंचेगा पानी। जी देखिए, बिहार में चयनित तकनीकी एजेंसी के माध्यम से हर घर नल का जल योजना का घर घर सर्वे का काम फरवरी से शुरू होगा। इससे योजना से छोटे घरों को चिन्हित किया जाएगा और मार्च से पहले उन सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं सर्वे के दौरान एजेंसी व अधिकारियों की टीम लाभुकों से मुलाकात करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें लाभुकों से जुड़ी शिकायत और लाभ की पूरी जानकारी होगी और उसी जानकारी के आधार पर आगे योजना को बढ़ाया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब कैंसर व किडनी की दवाएं मुफ्त में मिलेगी। जानिए और किन गंभीर रोगों की दवाएं मिलेगी निःशुल्क। जी देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों को अब गंभीर बीमारियों की दवाएं भी मुफ्त में मिलेगी। अब कैंसर और किडनी की बीमारी की दवा भी बाहर से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि सरकारी अस्पताल में ही ये उपलब्ध रहेगा। इसके साथ ही बीपी और शुगर जैसे गंभीर बीमारियों की दवाएं के प्रकार भी बढ़ाए जाएंगे। अब 300 तरह की दवाइयों का और इजाफा अस्पतालों में कराया जाएगा। वहीं देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार के अस्पतालों में कैंसर, किडनी, मनोरोग और डायलिसिस जैसे गंभीर बीमारियों का इलाज कराने के दौरान आप दवाएं भी निःशुल्क ले सकेंगे। कई और बीमारियों की दवाइयों को मुफ्त में मुहैया कराने की व्यवस्था कार्य जुटी है। नई दवाइयों की सूची में मानसिक रोगियों के लिए 144 तरह की दवाइयां रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।